सर, हमारे बाईसंद्रा वार्ड में, हमारे जयनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमारे भाई जनाब ताज और उनके सभी टीम और साथियाँ, हमारे पूरे माँ बहन और स्पेशली हमारे लोकल बहुत पॉपुलर कॉरपोरेटर हमारे नागराज सर, क्योंकि ये देखिए हमारे 2020 में क्या हुआ, हमने सब देखा है। ये कोरोना की वजह से बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ हुआ है और बहुत सारे गरीबों को और बहुत सारे बच्चों को। तो आज सुबह उन्होंने क्या किया कि इधर गवर्नमेंट स्कूल है, उधर किताब देना, और हर एक इंसान, हर एक आदमी, हम दूसरों का मदद करने का कोशिश करना चाहिए। तो आज इधर एरिक ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन 2014 में जो फाउंडेशन जो स्टार्ट किया, आज इधर हमारे लोकल एरिया में ही एक ऑफिस उन्होंने अब आज स्टार्ट किया है। ये एरिक ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन जो ये एनजीओ है, ये 2014 में रजिस्टर्ड होके है। ये है कि मेन ब्रांच को मागडी रोड में, ये एनजीओ हम एक ब्रांच है। क्या वास्ते ले ला कहीं के, तो इधर हमारे बैसंद्रा वार्ड में ना एक एनजीओ है, ना एक ट्रस्ट है, कुछ भी नहीं है। इधर के आवाम बहुत सारे आदमियाँ, बहुत सारे बच्चे जो हैं पढ़े लिखे नहीं। अब क्या बोले थे, एनजीओ का मेन बनाने का, ये ऑफिस ओपन करने का मकसद क्या है कि, तो अब जो भी देखो तुम्हें आधार कार्ड बनाना बोले तो क्या करना, ऑनलाइन करना। ऑनलाइन के वास्ते जो पढ़े लिखे हैं, जो भी आदमियाँ, उन्हें जाकर डायरेक्ट ऑनलाइन में कर लेती हैं। जो आइडेंटिटी कार्ड का जो इशू है, आइडेंटिटी कार्ड बनाने का रहता है, उसे भी ऑनलाइन। और जो चीज़ तुम्हें बनाने का, गवर्नमेंट की अथॉरिटी जो है, वो जो भी बनाना पड़ता है, उन्होंने क्या करती है, ऑनलाइन करना पड़ता है। जो पढ़े लिखे एजुकेटेड ग्रेजुएट जो ही उन्होंने होना तो कर ले सकती, जो नहीं पढ़ को रहते उनके वास्ते या गरीबों के वास्ते ये एन जी ओ ओपन करके ही स्वामी है। और इसके अंदर तुम ना गवर्नमेंट्स के जो माइनॉरिटीज़ के स्कीम्स जो भी रहती हैं, वो स्कीम्स हमें गवर्नमेंट से ले लगा को इधर जो आवाम है, हमारे बैसंद्रा वार्ड की जो आवाम है, उन तक पहुंचाने के वास्ते ये एनजीओ खोलने का हमारा मकसद है। और एनजीओ हमें आज इसी ओपनिंग करें,